نام نجف علی خان. نام نجف علی خان. Just introduced to the family photographs. Anas, Pasha pe jaana to aao. The family photographs. This is my father meeting. Are you coming? Yes, sir. Abhi dasa. Hashim Jha. Hashim Jha. And he is my father. Okay. And this is the Dr. Zakir Hussain, and this is me. चार साल पुराना तो फोटो होगा नहीं ज़्यादा चलिए आइए आइए बैठा ऊपर से देन वी मेट ओके एंड देन वी मेट फॉरेन मिनिस्टर और फैमिली मेंबर्स और फैमिली नो सम ऑफ द फैमिली जो जा सकते थे हमारे साथ भैया पाशा भाई. अच्छा ये 2008 का है. 2008 का मैं खुदून नाम का होता हूँ. मेरे मेरे वालिद का नाम नवाब बिन हाशिम जो बहादुर है. ही वाज द फिफ्थ सन. और मेरे बाबूक मेरे भाई है करम अली खान. और मेरे बाजू हबीब अली खान मेरे भाई हैं. हबीब अली खान. हाँ हाँ उनके साहब के बेटे के बेटे हैं आप. कैसा आपका रिलेशन उससे बताइए पूरा. सर पांचवें सन के हम बेटे हैं. मेरे फादर हाशिम जहा निजाम सेवन के बेटे हैं. मैं पोता हूँ. मैं कलेक्टर से ये जो प्रोसीडिंग चल रही है यहाँ कलेक्टर ऑफिस तो उसमें हम लोग हमारे मदद करें. बस हमारा नाम म्यूटर अभी रिसेंटली जब आप पेपरों में आया ना एक महीना दो महीना पहले. हाँ उससे पहले आपको मालूम है. नहीं 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 और कितने जमीन के ऊपर आपका दावा है. ये हम पेपरों में पढ़ा हर चीज देखा. उसके बाद हम लोग आए हैं कलेक्टर को प्रोसीडिंग देने. अगर प्रोसीडिंग में हमको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा तो हमारे साथ इंजस्टिस हो जाएगी. अच्छा तो अभी आपकी डिमांड यही है कि आपको ये जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है हमारा नाम एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए क्योंकि हम एक फैमिली के मेंबर हैं. तो हम सरकार से भी बात किए इस बार. नहीं नहीं अभी तो कलेक्टर के पास गए सर हम लोग. अलग अलग प्रॉपर्टी जो है क्यों आ रही है आप अलग अलग फुट फुट के क्यों आ रहे हैं एक साथ होके. जब आपको मालूम है कि घर में पांच भाई या छह चार भाई एक साथ हो सकते हैं क्या. नहीं, 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 नहीं वो ये तो मामला अलग है ना. तो आप अपना एक यूनिटी करके क्यों नहीं आकर. सर यूनिटी तो बाद में हो जाएगी. पहले तो हमारा नाम तो आने चाहिए उसके ऊपर प्रीडिंग जो भी प्रोसीडिंग है उसमें हमारा नाम तो आने चाहिए. क्या आपका नाम हमारे नाम डालने के लिए आके कलेक्टर से मिले हैं. कलेक्टर को ये बोले हैं कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग होती है कुछ भी फैसला होता है तो हमारा भी नाम उसमें होना चाहिए. कलेक्टर और एसोसिएशन की तरफ से अगर आपको पूछा जाता है जी आप क्या देने वाले डिफेंस में. सर डिफेंस में हम यही बोलने वाले हम दावा थोड़ी करने हैं. जब कलेक्टर में प्रोसीडिंग चल रही है बोले अभी आपके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है क्या. कभी हैदराबाद कभी बाहर. लेट क्यों आए आप ये सब. सर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ. आपके पास कब से आई. ऐसे भी कोई छोड़ते फर्क नहीं पड़ता क्या. अपना हक आप छोड़ेंगे क्या बताइए. ये तो फिर पिछले 50 साल से आप खामोश क्यों बैठे थे. सर अभी तो पता चला हमको दो महीने पहले जब पेपरों में पढ़े हर चीज में तो उसके बाद हमने मालूम हुआ कलेक्टर ऑफिस में चल रहा है काम. अभी निजाम का पैसा था जो भी ट्रस्ट बने थे हर चीज बनी थी उसमें आज तक हमको मफाद मिल रहा है उससे. तो आप यही दावा बोलिए ना आपके भाई यही भी हमको मिलना चाहिए बोल के ही आए ना हम. वन में कई ट्रस्ट बने उसमें हमारे वालिद थे उसके बाद हमारे नाम आए आज तक हमको उससे वो मिल रहा है बेनिफिशियल इंटरेस्ट मिल रहा है उससे. नहीं आपको बहुत अच्छा सवाल करें. शरीयत में सिर्फ चार है समझे ना.
मेरी अहलिया मेरी दादी छठवीं रहेंगी या पच्चीसवीं रहेंगी या साठवीं रहेंगी। आपको मैं शरीयत का बता देता हूँ। इस्लामिक शरीयत लॉ से इफ अ फादर और द मदर एक्नॉलेज द चाइल्ड इट कैन नॉट बी रिवोक। जब एक्नॉलेजमेंट खाली हमारे वालिद पे स्टॉप नहीं हुआ, हमारे पे भी आया, हमारे बच्चों पे भी आया। के वालिद है उनको अपॉइंट किए हैं, जो भी यहाँ का प्रोसीडिंग्स होगा कुछ भी होगा हम उनको ही विल टेक केयर ऑफ अस। अभी वो हवाला आप कर सकते हो, उसका जो कंपनसेशन हमको नहीं मिला है। और टाइम एंड अगेन मेरे आर्टिकल्स आते रहते हैं पेपर में, सर्वे चल रहा है ना 1939 के बाद, तो उसमें हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि 15,000 एकड़ जो हमारा एक्वायर कर लिए थे उसका कंपनसेशन आकर नहीं मिला, तो हम ये बोले कि हम उसका कंपनसेशन हमको दो। जी सर, अहमदाबाद में कितना एकड़ सर उसमें डिस्प्ले है, मैं अभी आपको अहमदाबाद हिमायत बाग अहमदाबाद सॉरी इसलिए आए थे कि निज़ाम स्टेट के अंदर आता है। और यहाँ भी जब हमने हैंडओवर किया था स्टेट, तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से एग्रीमेंट था कि जहाँ जहाँ हमारे दादा की प्रॉपर्टीज है हम उसको टेक केयर करेंगे। अब रिसेंटली हमको ये पता चला है कि हमारी यहाँ प्रॉपर्टीज है और कलेक्टर प्रोसीडिंग चल रही है, उस सिलसिले में हम कलेक्टर एप्लीकेशन देने हैं, पिटीशन देने, और कल कलेक्टर से मुलाकात हुई है हमारी। और कलेक्टर को हम अगर कोई भी सर्वे होता है या कुछ इंतजाम के प्रॉपर्टीज में डिसीशन होता है तो हमारे को भी हमारा भी नाम उसमें होना चाहिए। आपने कलेक्टर से मुलाकात की जी, अगला इकदाम क्या है? अल्लाह सॉरी, अगला इकदाम यह रहेगा सर कि हम अपने सॉलिसिटर्स नवाब भाई नवाब मलिक है, उनकी जो सॉलिसिटर फॉर्म है उनको हमने अपॉइंट किया है और रिकॉर्ड निकालने के लिए बोला है। जैसा जैसा रिकॉर्ड निकलते जाता हमको जैसा जैसा पता चलते जाएगा हम उसमें आगे कार्रवाई करते जाएंगे। औरंगाबाद में कितनी प्रॉपर्टी का आपका क्लेम है सर? फिलवाल तो अहमदाबाद हिमायतबाग नौफंडा पैलेस जो हमको पता है। मतलब इसके पहले जो नवाबों ने यह दावा क्लेम किया था उसमें आपको भी कुछ मिलना चाहिए, इसकी वजह से आप यहाँ आए? यस सर। ये प्रॉपर्टीज औरंगाबाद में जो है ये हमारे एंसेस्टर्स के है, इसके हम हकदार हैं। हम गवर्नमेंट से ये प्रॉपर्टीज क्लेम करेंगे, कोर्ट को जाएंगे, जहां तक भी हमारी ताकत है हम फाइट करेंगे और लेकर आएंगे। भारतपुरा में जितने भी प्रॉपर्टीज है ए डिस्ट्रिक्ट में वो भी प्रॉपर्टीज हम क्लेम करेंगे और लेकर रहेंगे। गवर्नमेंट को हमारा हक देना ही पड़ेगा।